अगर ये टूटा भी नहीं, लेकिन अगर मैं गिर गया तो इसको उठाना भी एक बड़ा टास्क है। लोग पहुंच चुके हैं अभी कुंजुम पास, बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रिज है। सांस थक रही है, सांस बहुत हार्ड हो रही है। मैं अभी आगे जाना है और ये खूबसूरत नजारा, ये रास्ते पे पूरा मिट्टी डाल के रखा है, पूरा मिट्टी डाला हुआ है तो आगे लोग ना जा सके। एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ, पत्थर में साइड में लेता हूँ, छोड़ ये उधर ही अच्छा है, थोड़ा धूप खा लेंगे। और इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, डाउन है, तो वो ऐसा लेटा हुआ है, धूप खा रहा है। और ये अभी अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कल से बंद हो जाएगा ये रोड पूरा। अकेले है, अकेले है। ओ, 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 फ्रंट आर फिसला, फ्रंट आर फिसला। ओह, कुछ कुछ जगह पे बहुत बड़े पत्थर है, कुछ जगह पे मिट्टी है, रास्ता किधर भी नहीं है। पॉइंट, एंड पॉइंट है स्पीति वैली की। हमारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारी बाइक्स यहाँ पे ठंडी में, और एक मिनट ना, ये मैं यहाँ पे चाय पीते हुए सुबह की, बहुत ज़्यादा ठंडी, रात को टेम्परेचर माइनस में चला गया था और इतना इतना बीच बीच में नींद खुल रही थी, और जो ठंडी लग रही थी भले ही चद्दर में थे फिर भी, लेकिन ठीक ठाक था। आज का हमारा यहाँ का स्टे कम्प्लीट हो चुका है और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सिसु। सो आज जो रोड है वो पूरा आई थिंक 50% 60% ऑफ रोड है, और बाकी थोड़ा जो कल हम लोग आए थे वैसा नॉर्मल रोड है, कुछ हाईवे वगैरह नहीं, बट स्टिल इट कॉल अ नेशनल हाईवे। सो आज हमें पहुँचना है सिसु तक, जो है डिस्टेंस 135 किलोमीटर, और अगर हमें चांस मिला तो हम लोग चंद्रताल भी जाएंगे, तो वो भी एक रास्ते में देख लेंगे अगर इफ चांस मिलता है तो, क्योंकि कैसे अभी चंद्रताल से सारे कैंप्स उठा दिए हैं और वहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रहे, तो अगर वहाँ पे आर्मी ने हमें बोला कि नहीं जाना आगे तो हम लोग सीधा सिसु के लिए निकल जाएंगे। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा रिस्ट्रिक्शंस, देन हमारा लीडर जो मार्शल है वो हमें चंद्रताल तक लेके जाएगा, बट स्टिल इट्स अ डेंजरस राइड, तो हम लोग बहुत ही धीरे धीरे और आराम से ये करने वाले हैं। आज ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं होगा, गोप्रो तो चालू करते ही बंद हो जाएगा जैसे मैं बाहर जाऊँगा, तो जो भी होगा व्लॉगिंग वो इसी से ही होने वाला है। तो सुबह के 6:41 हो चुके हैं, 7 बजे हम लोग निकले जाएंगे। टेम्परेचर माइनस में है, और माइनस टेम्परेचर में मैं विदाउट ग्लव्स और विदाउट ये कुछ भी फेस कवर किए बिना यहाँ पे आया हूँ, और द थिंग इज़ कि मुझे ये पैनियर्स निकालना है क्योंकि अभी ऑफ रोड बहुत ही गंदा वाला है, और 60-70 किलोमीटर का ऑफ रोड है तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाऊँगा, और ये टूटने का या कुछ भी होने का चांसेस है। अगर ये टूटा भी नहीं, लेकिन अगर मैं गिर गया तो इसको उठाना भी एक बड़ा टास्क है, तो उसके लिए मैं ये निकाल के अभी वो जो हमारे कैंपरमैन है उसमें रखने वाला हूँ। बट द थिंग इज़ कि ठंडी की वजह से दो नट, इसका एक और दूसरे का एक, पूरी तरह से जाम हो गया है। जैसे ये बराबर से घूम रहा है, ठीक है, बट ये वाला पूरी तरह से टाइट हो गया, और कोल्ड की वजह से मैं ज़्यादा ताकत भी नहीं लगा सकता, उंगलियों में बहुत अभी दर्द होना स्टार्ट हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ गोइंग ब्यूटीफुल। और ये है सुबह का व्यू, यहाँ से सनलाइट यहाँ आने स्टार्ट हो गई है। ये जो विलेज है अराउंड 13,000 या 14,000 के आसपास हाइट पे, तो जो भी स्टे हम लोग कर रहे हैं वो हाई अल्टीट्यूड पे ही कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इजीली अडेप्ट हो। हम लोग निकल चुके हैं
इस मूनलैंड से चिचम विलेज से और सवा सात के आसपास हम लोग निकल चुके हैं। हम ही लास्ट है क्योंकि मॉरिस के बाइक का पंचर है छोटा सा, बट वो कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से हवा वगैरह भरने के लिए हम लोग रुके थे। और अभी मैंने बाइक का जो पैनियर्स है, टॉप बॉक्स है, सब निकाल के रखा है, तो कैसे ना मुझे अभी खड्डों का टेंशन नहीं है, बट स्टिल स्पीड कंट्रोल में ही है, स्पीड ज़्यादा नहीं है। मज़ा आ रहा है, अभी बहुत ठंडी रहा एकदम, मतलब अभी भी टेम्परेचर है ना मतलब 1-2 डिग्री के आसपास रहेगा। और मैं वो विंटर ग्लव्स नहीं पहन रहा क्योंकि वो पहनने के बाद है ना मैं कुछ करने के ऐसे फिंगर जो है ना वो बराबर से क्लच और ब्रेक पकड़ती नहीं है, तो उसके वजह से मैंने वो पहना नहीं है, मैंने नॉर्मल वाला ही पहन के रखा है। उसका आई थिंक ब्रेकिंग हुआ नहीं है कि क्या हुआ नहीं वो पता नहीं है, तो उसके वजह से, बट स्टिल ये अभी कैसे बॉडी वार्म है तो फिंगर्स का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो चले जाएगा। ओहो हो आइस आइस, ये है आइस। अभी ये ऑफ रोड है इसके लिए चल जाएगा, बट अगर ये रोड होता प्रॉपर तो ये हो जाती ब्लैक आइस। ये देखो संभल के जाना पड़ता है, ओ बाइक फिसल रही है, ओके संभल के जाना पड़ता है। मैं एक बार रुकता हूँ मॉरिस कैसा आ रहा है देखने के लिए क्योंकि लास्ट टाइम वो गिर गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी याक है जो भाग रही है आगे पीछे। अरे डरो मत यार, डरो मत, अरे डरो मत यार। तो ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे थे पीछे भी थे। और याक के लिए ये जो टेम्परेचर होता है ना ये सबसे बेस्ट होता है, मतलब या सर्वाइव करने के लिए जो बेस्ट जो वेदर होता है वो कैसा, उसको बर्फ में ही अच्छा लगता है। तो अगर 0 डिग्री 0 से कम रहेगा देन वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये मुझे मनाली में जब याक राइड कर रहा था ना तभी मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जब भी यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो उनको रोहतांग पास लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ रहती है, क्योंकि ये बर्फ में ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगी। जब भी ठंडी नीचे चली जाती है, नीचे आ जाती है, विंटर चालू हो जाता है, मनाली में भी बर्फ पड़ना चालू होती है, तब भी वो उनको लेके आते हैं नीचे। एक खूबसूरत नज़ारा, वैली है नीचे, अभी रिवर कौन सी है पता नहीं, बट जो अभी विंटर चालू हो रहा है उसके वजह से कैसे है ना रिवर का फ्लो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। यही आप अगर आप मई जून जुलाई में आ रहे तो ये फ्लो बहुत ज़्यादा रहता। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, अभी शाडो आ गई है, हम लोग शाडो से जा रहे हैं, तो स्पीड कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं अगर वाटर फ्लो रहेगा, पानी रहेगा, तो सूरज अभी तक उसके ऊपर गिरा नहीं है तो कैसे वो ब्लैक आइस बन जाती है, तो वहाँ से टायर घिसरने मतलब ग्रिप वगैरह कुछ नहीं मिलती, सीधा स्लाइड ही हो जाता है ऐसा, तो ये बस एक ध्यान रखना होता है। ओह थोड़ा सा वाइजर ऊपर फॉग हो रहा है। और आज के दिन की और एक सबक, जब अगर तुम्हें पता नहीं है तो शॉर्टकट मत मारो। ये देखो हमारा एक बंदा यहीं पे अटक गया है, ये रोड शॉर्टकट मारने वाला नहीं था, एक्सपर्ट जो रहते हैं वही ठीक रहता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। रास्ते से निकल के अगर शॉर्टकट मारने का ट्राई करोगे तो अभी फंस जाओगे। धीरे धीरे पीछे जा, धीरे धीरे। हाँ गियर पे, तो हम लोग लोसर पहुंच चुके हैं। और जो ऑफ रोड और ठंडी थी ना, जैसे आपने वीडियो में देखा बहुत ही गंदा सिचुएशन था, बट हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके, अभी ये आज के दिन हम लोगों ने जो मैं रेगुलर करता हूँ वो किया है कि ब्रेकफास्ट के लिए होटल में मैं रुक रहा, सुबह निकल जाओ और रास्ते में ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए अगर होटल में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वही हम लोग अभी आए हैं लोसर में और यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, ये पब्लिक टॉयलेट और ये देखो यहाँ पे अच्छा खासा
स्नोफॉल हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है ना 8:37 हो चुके हैं, तो आराम से यहाँ पे मैगी ब्रेड ऑमलेट और पराठा मिल रहा है, मैदे का पराठा है, बट ठीक है खा लेंगे, भूख लगा है बहुत ज़ोर से। और फिर गर्मी आएगी तो आगे राइड करने में मज़ा आएगा। मैं कुछ निकाल नहीं रहा हूँ ये, क्योंकि कैसे ना हवा कान पे हवा नहीं लगनी चाहिए, और सूरज आ रहा है तो थोड़ी सी गर्मी मिल रही है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कितनी सुंदर ये जगह है, मुझे नहीं पता कि कितने व्लॉग्स में आपने ये चीज़ें देखी रहेगी, मैंने नहीं देखी थी, बट इस व्लॉग के थ्रू आप सबको ये देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए आइस वगैरह बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके रोड ख़त्म हो रही है। ये जो इतनी खूबसूरत जो खुशी थी वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी और ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, धूप में खड़ा होने के बाद अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही बाइक अभी स्टार्ट कर दी और हवा लगना स्टार्ट हो गई है तो ठंडी लग रही। और हम लोग स्पीति रिवर के एकदम ऐसे लाइन पे आ गए, देखो ये बाजू में ही स्पीति रिवर है, ये कितना हम लोग पास में आ गए। और जैसे मैंने बोला था यहाँ से रोड समाप्त होता है और ऑफ रोड शुरू होता है, तो हम लोग अभी पूरा टाइम ये ऐसे ही चलने वाला है, तो धीरे धीरे जाएंगे, फ्रंट ब्रेक नहीं मारेंगे और स्पीड कंट्रोल रख के आगे जाएंगे। क्या सुंदर वादियाँ है ना, क्या सुंदर, देखो माउंटेन्स कितने कलरफुल लग रहे हैं, देखो कितने कलरफुल लग रहे हैं, स्नो है, ये डार्क कलर बीच में फेंट कलर सही लग रहा है एकदम, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और नीचे से झटके आ रहे हैं ना वो भी एकदम मस्त है, मैंने बैटरी चार्ज कर दी थी, जो पोर्टेबल बैटरी है वो मैं लेके आया था, तो उसके कनेक्ट करके मैं चार्ज कर, क्योंकि यहाँ से जो चार्जिंग पोर्ट जाता है तो वो बराबर चार्ज नहीं हो रहा था, कल मैं वो भी ट्राई कर रहा था बट वो नहीं हो रहा था। एंड वन मोर ब्यूटीफुल व्यू, क्या सही लग रहा है, स्पीति रिवर एंड माउंटेंस। तो ये मेरे साथ है फोटोग्राफर, वैसी जगह पे रुक के मस्त एकदम फोटोज लेते हैं, बट हमारा वीडियो है तो आराम से बिना रुके चलते रहता है। बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत सुंदर, हाँ। और रोड भी अभी थोड़ा अच्छा पैच आ गया, ये तो बहुत बुरा था यार, और आगे वर्स्ट आने वाला है। राइट और ये देखो पुराना, बहुत ही ज्यादा पुराना, बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रिज है। सांस थक रही, सांस बहुत हार्ड हो रही है। बाप रे, इफ यू थिंक यू आर गुड कम यार। ऑल राइट, सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुंजुम पास, ये है मंदिर। और माउंटेन्स वगैरह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ से, ठंडी बहुत है, स्नो है, और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर तो नहीं जा सकते, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें उतारनी पड़ेगी, बट देखेंगे, अपना कैमरा का पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये है कुंजुम पास, यहाँ पे मंदिर है, कुंजुम माता का मंदिर। तो ये हम लोग एक हाई पास उतर रहे हैं फुल ऑफ रोड, और ये देखो नीचे कैसे जिगजैग रोड जा रहा है हेयरपिन। मैं भी धीरे धीरे
उतर रहा हूँ, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है यहाँ पे, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है, एडवेंचर एकदम फील हो रहा है क्योंकि अभी लगेज वगैरह कुछ नहीं है। कंट्रोल कुदा है, कंट्रोल, स्लोप है, अभी पूरा डाउन हिल है, तो कैसे ना बाइक आराम से अपने गियर पे उतर रही है, लेकिन फिर भी ब्रेक मारते मारते उतर रही है क्योंकि बहुत नीचे उतरना है, बहुत नीचे। अच्छा लग रहा है, ये देखो, और ऐसा बीच बीच में कीचड़ वाला आ जाता है। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया, लेकिन बर्फ है तो होपफुली अच्छे से निकल जाएगी। अच्छा है, ब्लैक आइस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये देखो पानी है, और ये रिवर, छोटी सी रिवर हमारी साथ साथ चल रही है, उसके साथ साथ जो वैली है उसमें भी एक खूबसूरत रिवर चल रही है, वो देखो, वो आगे जाके आई थिंक किसी को मिलेगी या पता नहीं, बट बहुत ही सही लग रहा है, यहाँ से नीचे पानी जा रहा है तो नीचे और एक वाटर क्रॉसिंग मिलेगा। अच्छा है कि आइस नहीं है, आइस बहुत ही कम है, ये देखो सही है ना, ये वाली रिवर, और आगे एक खूबसूरत व्यू हमारा वेट कर रहा है, मैं दिखा ज़रा पहुँच जाता हूँ। साइडलिंग करते वक्त है बहुत ईजी लगता है, नहीं तो इतने बम्प पे लगते हैं ना। बस कंट्रोल, ये बॉडी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं चाहिए। ये देखो सामने कितना खूबसूरत व्यू है, क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है। बहुत ज़ोर से बम्प लगता है यार, ये ऐसे हेयर पे, ये हेयर पिन बेंड्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और लूज ग्रेवल वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, एक वीडियो निकालता हूँ मैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सही लग रहा है, ये नीचे से रोड हमें अभी आगे जाना है, और ये खूबसूरत नज़ारा, इसी के लिए तो हम लोग आए। बहुत सही लग रहा है, मॉरिस अभी पीछे रह गया, वो जो वाटर क्रॉसिंग है वहाँ पे वो रुक जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम गिरा था तो अभी उसकी फटेगी, तो धीरे धीरे आएगा। मैं आ गया आगे और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसका, तो अभी एक फ़ोटो निकालते और फिर आगे बढ़ते। और राइट गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जो चंद्रताल का जो कट आता है हाईवे से, हाईवे मतलब ये रोड, ये हाईवे है हमारा, तो चंद्रताल का जो कट आता है ना वहाँ पे रुका है। बट द थिंग इज कि अभी जो आगे का रास्ता है ना वो बंद करके रखा है, और बंद भी कैसे करके रखा है, ये देखो, ये रास्ते पे पूरा मिट्टी डाल के रखा है, पूरा मिट्टी डाला हुआ है, तो आगे लोग ना जा सके क्योंकि आगे डेंजरस है। दो तीन दिन पहले ही चंद्रताल बंद कर दिया गया था, जो भी टेंट है वो भी निकाल दिए गए हैं, इसकी वजह से हमारा भी एक चंद्रताल का स्टे था वहाँ पे, बट इस रीज़न के वजह से हमारा स्टे अभी चंद्रताल की जगह पे सिसु कर दिया है। तो अच्छा लगा, अच्छा तो लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि चंद्रताल नहीं जा सके, बट ऑलवेज आगे वापस आने के लिए कोई तो कोई रीज़न तो चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके। बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया कि चंद्रताल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है वो, बट कोई बात नहीं, वापस आएंगे और ऐसे टाइम पे आएंगे। देखो पहाड़ों में ना ये चीज़ है, किसी को पता नहीं रहती कि कभी कौन सी चीज़ चालू है और कौन सी चीज़ बंद होने वाली है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई, अगर आप आगे हो अटक जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं इतना रिस्क लेके, वापस आएंगे और फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ज़िंदगी रहेगी तो 10 बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसा है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर कोई गया आगे तो ही इज़ ऑन हीज ओन रिस्क, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर चंद्रताल, अगर ये अराउंड 30 किलोमीटर का टू एंड फ्रो था, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे जाके वापस आना चंद्रताल तक, तो वो ट्रैकिंग भी था, तो अगर ये हमारा कैंसिल हो रहा है तो अभी यहाँ से हम लोग सीधा सीधा आगे निकल जाएंगे, और शायद 4 से 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे सिसु, आराम करने के लिए टाइम मिलेगा अपने पास।
बाइक बहुत खूबसूरत लग रही है, जो चल रही है ना मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे। यहाँ से एक प्लेन रोड स्टार्ट हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट रोड। तो वहाँ पे रुके हुए ये हमारे साथ बड़ा GS वाला ग्रुप है, वो भी है यहाँ पे पूना वाला। और द थिंग इज, यहाँ पे एक फेमस चाचा चाची का ढाबा है, बट वो यहाँ मतलब आई थिंक था यहाँ पे, वो लोग निकल गए, पूरा उखाड़ दिया है, सब छप्पर ऊपर कुछ नहीं है। तो अभी देखते हैं आजू बाजू में और कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। और अगर ये वाला यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो एक बार चेक करता हूँ, और नहीं फिर यहीं पे रुकना है, क्योंकि बाकी लोग जो रिस्क ले रहे चंद्रताल तक जा रहे, हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग बोले कि अगर ठीक है नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे, बट तो यहाँ पे आके हम लोग रुके हैं। ये देखो, ये है चाचा चाची का ढाबा। चंद्रा ढाबा जो पूरी तरह से उन्होंने उड़ा दिया, और अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। होगा यहाँ पे देखो, है चीज छप्पर ऊपर कुछ नहीं है, सब उड़ा दिया। क्या हुआ यहाँ पे ढाबा का, क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो चालू कभी होगा? अभी नेक्स्ट ईयर। अच्छा नेक्स्ट ईयर, ओके। कल से अल्टीमेट है स्नोफॉल का। अच्छा कल से। चलेगा, मुझे लगा कि ये कुछ बंद वगैरह हो गया कि क्या, लेकिन चालू है मतलब, ऐसा नेक्स्ट ईयर चालू होगा फिर से। ओके मतलब आज का दिन जो भी आने वाला है वो लास्ट है, कल से सब कुछ बंद। ओके चलो थैंक यू। तो ये सामने क्या है? रेस्ट हाउस है। खाना वाना नहीं मिलेगा यहाँ पे अभी? किधर भी नहीं मिलेगा खाना आगे तक? 32 किलोमीटर आगे। 32 किलोमीटर आगे। ओके चलो थैंक यू। तो ऑफकोर्स 2 घंटे के अंदर। ओके तो प्रॉब्लम नहीं है, बस थिंग इज कि चाचा ये साल के लिए बंद हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर चालू होगा। और अगर खाना है तो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ेगा, एंड वी आर द लास्ट वन। आज आखिरी दिन है यहाँ का, जो लोग पास हो रहे हैं कल से ये रूट बंद हो जाएगा, क्योंकि आज रात से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से पता चला है। तो ये कल नेक्स्ट ईयर ढाबा चालू होगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है कुछ तो 12:15, इन लोगों को आने के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो हम लोग बस ऐसे बैठे हैं, और इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, डाउन है, तो वो ऐसा लेटा हुआ है, धूप खा रहा है, लेकिन हवा है ना वो ठंडी हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होना स्टार्ट हो गई है। तो 3 घंटे यहाँ पे बैठना ही है धूप में, जब तक वो लोग नहीं आते तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और उसके बाद आगे चार से पाँच घंटे का डिस्टेंस रहेगा। BMW जो पूना वाला ग्रुप था वो आगे चले गए, यहाँ से 35 किलोमीटर जैसे मैंने बोला कि ढाबा है वहाँ पे खाने के लिए रुकेंगे फिर हम लोग। बहुत टाइम है अभी, बहुत ज़्यादा टाइम, पानी है थोड़ा सा हमारे पास, और सामने वहाँ पे बोरिंग भी दिख रही है, तो अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो वहाँ पे जाके मस्त बोरिंग से पानी ले लेंगे। सब कुछ बंद है यहाँ पे, सब कुछ बंद, और हम लोग ऐसी जगह पे फंसे नहीं है मतलब, है बैठे, सही लग रहा है। माउंटेंस देखो ऊपर, क्या सही रहा। एक 1:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था, और इस बाकी लोगों को आने के लिए और 3 घंटे तो कम से कम लगेंगे। तो जो मार्शल था और हमारी कैंपर वैन थी वो वहाँ पे वेट कर रही हो जहाँ पे मैं बैठा था, बट मॉरिस तो अभी वैन से आने वाला है क्योंकि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने डिसाइड किया अभी इतना टाइम बैठने से अच्छा है कि मैं अकेला थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि ठंडी बढ़ने लगी थी और हवा भी बहुत ज़्यादा है अभी, तो वो मौसम ख़राब होने के चांसेस वो ऐसा दिखना चालू हो गए थे। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और जहाँ पे लंच करने के लिए रुकने वाले खतरूर करके प्लेस है, तो वो प्लेस पे
मैं प्रॉपर एक वहाँ पे जाके मैं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, सब कुछ छत वत कुछ नहीं है, और जो ठंडी हवा इतनी ठंडी है ना कि लिटरली ऐसे लग रहा है कि वो चटका लग रहा है। तो उसके लिए मैंने बाकी लोग उनको बोल दिया मार्शल को कि मैं ना धीरे धीरे आगे जाता हूँ, तुम लोगों का जब भी हो जाएगा तभी तुम लोग आगे आके वहीं पे तो लंच करने वाले ऐसे। तो ये मेरी सोलो राइड स्टार्ट हो चुकी है जो मुझे स्पीति करनी थी। तो बस डर वर कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम सही है, और हवा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वही बस एक दिक्कत आ रही है। बट धूप है अच्छी खासी, तो गर्म भी कर रही है, वो गर्म कर रही है, लेकिन वो हवा की वजह से थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमारे बाजू से जो रिवर जा रही है ना, उसका कुछ तो नाम है चंदा क्या, एक मिनट, चनाबर ऐसा कुछ तो नाम है, चनाबर ऐसा कुछ तो नाम है, मैं मेंशन कर दूंगा। तो वो रिवर है, वो साइड से जा रही है, और एक कार वाले मिला था, ग्रुप मिला था, तो वो बोल रहा था कि यही साइड से आए थे, तो बोल रहे थे कि अभी आगे वाटर क्रॉसिंग वगैरह कुछ नहीं है इतना, तो आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि कैसे अभी ठंडी बढ़ना स्टार्ट हो गई ना, तो अरे बाप रे, तो ये पानी जमना स्टार्ट हो गया, उसके वजह से वाटर क्रॉसिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस बीच में छोटी मोटी लगती रहेगी, तो मिट्टी खाते हुए और मज़े करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रोड नहीं है, ये एक रिवर की पाथ है ऐसा लग रहा है, और जो रिवर में कैसे पत्थर रहते हैं उस तरह से यहाँ पे पत्थर है रोड पे। मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ, सेकंड गियर पे 2 के आरपीएम पे, लेकिन ये हमारा नेशनल हाईवे है स्पीति का, साइड से रिवर है, बहुत व्यू अच्छा है, बट रास्ते है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लेकिन चल रहे हैं, बाइक बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा हुआ मैंने वो लगेज वगैरह सब निकाल दिया, नहीं तो वेट की वजह से कैसे ना और थोड़ी ताकत लगानी पड़ती, बट नाउ इट्स फाइन। ये देखिए, ये पत्थर देखिए, ये ऐसे पत्थर है, रोड सीधा मैप वगैरह सब सेट है, तो उसकी वजह से कैसे सीधा सीधा ही जा रहा हूँ आराम से, बट स्टिल बीच बीच में ना कुछ पात ऐसे आ जाते हैं ना, ये देखो हाँ मस्त निकल रही एकदम, ऊपर से जो पानी आता रहेगा तो उसका फ्लो यहाँ पे रहेगा, तो रिवर क्रॉसिंग वगैरह ये पार्ट में होती रहेगी। बट फिलहाल जैसे ठंडी अभी स्टार्ट हो गई है तो टेंशन नहीं है, देखिए ऊपर से पानी आता रहेगा, ये देख, और अभी धूप है उसकी वजह से ये पानी दिख रहा है, नहीं तो आईसी होती है। सही लग रहा है ना एकदम, यहाँ पे सैंड भी है, ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब समुंदर के बाजू में जो फीलिंग आता है ना, जैसे रिवर समुंदर को मिलने वाली है, तो वहाँ पे जो सीन वगैरह होते हैं वैसा सीन यहाँ पे है, सैंड है, पत्थर है, गोल गोल पानी का फ्लो हो रहा है, और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है स्पीति जिसके लिए हम आए थे। ये देखिए पानी, ये रिवर क्रॉसिंग, रिवर ये ऐसा छोटे छोटे रिवर क्रॉसिंग है जो जून जुलाई अगस्त में बहुत ही तेज़ रहते हैं, सो दैट्स व्हाई अक्टूबर इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके बाद तो सब बंद होने वाला है, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक इज़ द बेस्ट टाइम, जो जिस टाइम पे मैं हमेशा बाहर निकलता हूँ। हाँ सही लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा आगे पहुँच जाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, क्योंकि ऐसा ही रोड है पूरा टाइम, और ऐसी ही खूबसूरत नदी हमारे साथ रहेगी। जय महाकाल, आशीर्वाद बनाए रखना, साथ में रहना। तो जाते जाते अभी मैं रास्ते पर रुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से ना एक अलग ही खूबसूरत ऐसा स्नो माउंटेन मुझे दिखा है, जहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा ऐसा थिक लेयर ऑफ स्नो है, ये देखिए ये वाला, क्या खतरनाक लग रही है, खतरनाक।
सुपर ये व्यू है। ऐसे ही पूरा टाइम रहेगा, शायद आगे कम हो जाएगा, बट ऐसा ही है। तो एक फोटो निकालता हूँ और यहाँ से आगे की ऊंचाई। अगर ये नॉर्मल मंथ रहता फर्स्ट गियर तो यहाँ से जो फ्लो रहता ना पानी का बहुत ही ज़्यादा रहता, मगर अभी जैसे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गई है तो फ्लो बहुत ही कम हो गया है। और यहाँ पे तो वाटरफॉल है। ये देखो रास्ता, ये है हमारी स्पीति वैली, ये है स्पीति वैली, काजा तक नहीं है ये आगे। तो ऐसे चल रहा है और एक थोड़ी सी बड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग आ गई है, पिछले वाली में तो पानी उड़ा दिया था, बट इसे क्रॉस करते हैं। चलो धीरे धीरे, एक बार पैर ऊपर पैर ऊपर पैर ऊपर पैर ऊपर, हाँ सीख सही है, मस्त। हाँ बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स है हम ये सीज़न में भी, भले मुझे लगा था नहीं रहेगी बट बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स है। और यही रोड है पूरा टाइम, खड़ा रह रहे के मेरे पैर जो है ना वो इतने दर्द करने लगे, बट बैठ भी नहीं सकते क्योंकि ये झटके लेने लायक नहीं है। तो उसके वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ बीच बीच में धीरे करके, जब भी रोड ठीक ठाक लगे तो बैठ के निकालने के लिए, नहीं तो फिर बस यही चल रहा है अपना। बीच में ऐसे सैंड आ जाती है तो फ्रंट टायर कैसे है ना थोड़ा सा स्लाइड करता है। देखो एक बड़ा वाला क्रॉसिंग, बट यहाँ पे एक लोगों ने शॉर्टकट भी दिया हुआ है तो वो शॉर्टकट भी लेंगे हम लोग। क्यों इतना कैसे लूँ, सीधे डाल दूँ, डर लग रहा है, ऐसे डाल दे तो ओके। अरे रुकना मत, सही है, खतरनाक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और सारी चीज़ें बराबर हो जाती है। सो ऐसे ये कौन से आइलैंड से या फिर प्लैनेट से हमें जा रहा हूँ अभी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये बाइक का पोटेंशियल जो है ना वो ऐसी जगह पे ही पता चलता है। ये कौन सा सेकंड गियर है क्या, नहीं चाहिए, ओके यहाँ से ओके सर सर्कल। गला मेरा अभी थोड़ा थोड़ा सा सूखना चालू हो गया है तो, बट आई थिंक 5 किलोमीटर के आसपास ढाबा आ जाएगा क्योंकि हम लोग ना 86 किलोमीटर पे, तो जैसे मैंने कैलकुलेट किया था 90 किलोमीटर के आसपास ढाबा दिख जाए, ढाबा दिख जाना चाहिए। हाँ कैसे लैंड पे हम अकेले हैं, अकेले है। ओ, 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 फ्रंट आर फिसला ओह, कुछ कुछ जगह पे बहुत बड़े पत्थर है, कुछ जगह पे मिट्टी है, रास्ता किधर भी नहीं है। ऑलराइट सो फाइनली ढाबा दिखाई दिया। वह सोया 35 किलोमीटर की जगह पे 40 किलोमीटर कैसे हो गए, दिस वाज सुपर्ब राइड। और लेकिन हम लोग अभी थोड़ा मैं यहाँ पे रुकूंगा, खाना वगैरह खाता हूँ और वेट करता हूँ उनका। अगर दो तीन घंटे के बाद भी नहीं आते ना तो ज़्यादा टाइम डिस्टेंस बचा नहीं है, 35 किलोमीटर ही बचे होटल तक, तो मैं होटल के लिए निकल जाऊँगा। वाओ ब्रिज, द ओनली रोड विच इज़ कम्फर्टेबल राइट नाउ, बट सही है। ये यहाँ पे BMW का गैंग जो था, उनके दो बड़े बड़े टोयोटा की कार है वो थी, तो अभी यहाँ पे मैं रुकूँगा। यस फाइनली है वो लोकेशन, जरा एक स्नैप ले लेता हूँ। हाँ सो ये एक है वो लोकेशन जहाँ पे है ढाबा, 40 किलोमीटर वो जो लास्ट पॉइंट था उसके बाद में ये आता है, और ये भी आज लास्ट डे इसका, ये भी आज शाम के बाद उड़ जाएगा और इसने मनाली नहीं तो काजा की तरफ ये भी निकल जाएगा। हवा इतनी है कि मैं ये निकाल नहीं रहा हूँ,
कान पे, कान में हवा नहीं जाना चाहिए। तो वो यहाँ पे बस अभी मैगी मिल रहा है और चाय मिल रही है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बट जो मिल रहा है वो जन्नत है बस। सो वो खाते हैं और निकलते हैं, नहीं निकलने यहाँ पे वेट करते आराम से, यहाँ पे बैठने के लिए भी एकदम मस्त है, बैठने के लिए वगैरह सही है। ये अभी लास्ट है ना आज का दिन, और दो तीन दिन है क्योंकि वो दादा को चाचा चाची का ढाबा तो बंद हो गया, दूर पड़ता नहीं है, अगर वहाँ पर पड़ गए तो आते तो हान सकते हैं। अच्छा मतलब और ये दो दिन रहेगा, लेकिन रोड तो बंद हो जाएगी ना, ये रोड 15 को बंद हो जाएगी, 15 को, 15 अक्टूबर। अच्छा है, आज कौन सा, आज 12 है ना, आज 13 मतलब दो दिन में बंद हो जाएगा, चलेगा चलेगा। ये देखो न्यू थार फोर डोर वाली, स्टिकर्स अभी निकाले नहीं है, ये जा रही है, एंड ये लास्ट वन। सो ठंडी बढ़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, ठंडी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो मैं एक 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाऊँगा होटल के लिए, वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, 3 घंटे तो वेट करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं आगे चला जाता हूँ होटल पे जाकर देखता हूँ। कुछ 4:45 बजने को है और बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और ये रोड अभी 17 किलोमीटर में हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा, और मैं भी 38 किलोमीटर पे अपना होटल है, तो टेंशन नहीं है, तो पहुँच जाऊँगा, इधर नीचे से निकलता हूँ सेफली। हाँ बहुत बहुत ठंडी लगने लगी थी, हाथ पूरा फ्रीज होने लगा था, मोबाइल वगैरह सब सेट है, तो चलते हैं यहाँ से अभी आराम से, जो जो स्पीड से हम लोग चल रहे थे वो स्पीड से हम लोग पहुँच जाते हैं होटल, और वेट करते हैं कि बाकी के लोग कब आएंगे, और जो चंद्रताल उन्होंने विजिट किया वो कैसा था, उनसे मैं फुटेज ले लूँगा और डाल दूँगा। वो देखो उस रोड से मैं आया हूँ, और अभी ऐसे टर्न करके ऊपर जाना है, और वो देख रहे हो बादल, इसका मतलब ये है कि मौसम ख़राब होने वाला है, और वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये रास्ता आज रात को नहीं तो कल, कल के दिन में पूरा बंद हो जाएगा, स्नोफॉल हो जाएगा। सो इसके लिए मैं भाग रहा हूँ, अभी ये पीछे से लोग आएंगे, उनको अगर बारिश स्नोफॉल मिला लेट, अगर वो ज़्यादा हो गए तो इशू है। तो चलो चलते हैं, अभी रोड अभी पता नहीं कितना, आई थिंक एक 12-13 किलोमीटर के बाद हाईवे लग जाएगा, एंड देन फिर टारमैक आ जाएगा। ये साइड में क्लियर है, वो साइड में मौसम ख़राब हो रहा है, सो इसके लिए जितना जल्दी हो सके शाम के टाइम पे आप अपने रूम पे पहुंच जाओ। अभी ये खड़ा रह के मुझे टर्न मारना थोड़ा सा हार्ड होता है, बट आई एम ट्राइंग दिस। हो गया, या लर्निंग। माय गॉड गाइस, ये देखो एक दूसरे साइड का नज़ारा, बहुत खूबसूरत है। नीचे से रिवर जा रही है, पता नहीं कौन सी, चनेब रिवर जा रही है नीचे से, और ये है खूबसूरत व्यू, बहुत सही लग रहा है। अभी दूसरे साइड में आ गए, वेदर क्लियर है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, बट ऑल इन ऑल वेदर इज़ ओके। जो पीछे हालत थी वो नहीं है यहाँ पे, और मैं ऐसे खड़ा हूँ। सुपर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, रोड रुला रहा है बट मज़ा बहुत आ रहा है। पर ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लग गया आगे ही, ये एक पास की तरह है मंदिर वगैरह, एंड खूबसूरत लोकेशन। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे ऑब्ज़र्व हो रही है कि जैसे हम लोग मनाली के करीब जा रहे हैं ना, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो हम लोग जैसे डेजर्ट से आए थे ना, अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश होना स्टार्ट हो गया, माउंटेन्स वगैरह जो है ना वो ग्रीन है। देखो अब मुझे ऐसे लगा था कि वाटर क्रॉसिंग होगी रहेगी, लेकिन पूरा टाइम वाटर क्रॉसिंग है, पूरा टाइम ऐसे छोटे मोटे आते रहते हैं। तो ये देखो मतलब जो मैं बोल रहा था, ग्रीनरी पूरा टाइम है,
अब मतलब यहाँ से चालू हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए, ब्लू वाटर और उसके साथ साथ वाटर क्रॉसिंग और ये ग्रीनरी, और बीच बीच में ना कुछ कुछ ऐसे छोटा छोटा पैचेस में ना, एकदम छोटा पैचेस में ऐसे रोड दिखता है, मतलब यहाँ पे रोड बनाया था कभी किसी ज़माने में लेकिन वो रहा नहीं, ये ऐसे एक छोटा। सो या हाँ एक चीज़, अगर आ रहे हो यहाँ पे स्पीति में या फिर कोई भी नॉर्थ में ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग का कोई भी संभावना है, देन गो फॉर वाटरप्रूफ सॉक्स, शूज़ बहुत महंगे आते हैं, वाटरप्रूफ सॉक्स 2500 में राइनॉक्स वाला है, तो आई विल रिकमेंड डेफिनेटली कि राइनॉक्स वाला जो सॉक्स है ना वो ले लो, और जब भी वाटर क्रॉसिंग हो रहे थे, नहीं तो कभी हम लोग मॉनसून राइड वगैरह करते हैं तो वो टाइम पे आप पहनो, यू विल फील द डिफरेंस, पैर बिकते नहीं है पूरा दिन हम लोग राइड करते फिर भी, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया मेरे चैनल पे है, बट ये अभी कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ मुझे ना, एक दो एक बंदा बैठा और दो खड़ा रहता बोलने के लिए, तो मुझे ना दो बंदे मिले रॉयल एनफील्ड पे, वो लोग निकले अभी ये टाइम पे यहाँ से निकले मनाली से और जाना था काजा, और बोल रहे थे कि बीच में कहीं स्टे वगैरह के लिए मिलेगा कि नहीं, एंड कैश वगैरह कुछ नहीं, बोले गूगल पे चलेगा क्या वहाँ पे, बोले अरे नेट ये पूरा एरिया में नेटवर्क नहीं है कहीं पे, गूगल पे के भरोसे कैसे आ सकते हो। तो गाइज डोंट बी दैट गाय, अगर कहीं पे जा रहे हो तो प्लान बना के जाओ, ऐसे ही बस निकल मत पड़ो, और कैश रखना अपने साथ कहीं पे भी ऐसे रिमोट लोकेशन पे जा रहे हो तो, कैश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, फाइनली वी हैव रीच्ड टू द रोड, और इतने टाइम के बाद मुझे रोड दिखाई दिया, यह हो गया चालू लेह मनाली हाईवे, और इसके साथ ऑलराइट गाइस, सो ये पहुंच चुके हैं हम लेह मनाली हाईवे, और ये देखो ये चेक पोस्ट है लाहौल स्पीति, ये स्पीति वाला रोड नीचे से आ रहा है, बहुत गंदा था भाई, बहुत गंदा था, और ये सीधा रोड चला जाएगा मनाली, पहुंच चुके हैं। अरे बाप रे क्या गंदा रोड था, क्या भयानक, लेकिन जो किया है सीरियसली सही मजा आ गया, बहुत सुपर, बहुत बहुत सही था। और इसी रोड ये पॉइंट एंड पॉइंट है स्पीति वैली की, हमारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी यहाँ से हमारी घर तक की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है, कितना 2-3 साल से प्लान कर रहा था मैं इस चीज़ का, और फाइनली वो 6-7 दिन में ख़त्म हो गई, मतलब नारकंडा से स्टार्ट हो चुकी और अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और अभी होटल तक पहुँचते हैं, बाकी के लोग अभी पता नहीं कहाँ पे हैं, बट होटल तक पहुँचते हैं। ये देखो ये बोर्ड लग चुका है यहाँ पे, हाँ मनाली एंड अटल टनल जो हम लोग कल करने वाले हैं, अभी हमारा स्टे है सिसु में। क्या मजा आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है भाई साहब, ये रोड पे चलाने के लिए जो जिस जहां जिस दुनिया से आए हैं ना, और जो स्पीड में अभी चल रहा है और जो गियर पे चल रहा है, मतलब मैंने थर्ड गियर एक बार कुछ सेकंड्स के लिए डाला रहेगा, नहीं तो सेकंड गियर पे ही आया, सेफली आना था। एंड नाउ ये खूबसूरत रोड, ये बस ये खुशी वही समझ सकता है जिसने स्पीति वाली राइड की है, और आई थिंक अभी ये टाइम पे तो कोई लेह नहीं जाएगा, क्योंकि लेह जाने वाले लोग सुबह जल्दी निकलते हैं मनाली से, और पता नहीं कितने बजे पहुँचे, रात तक तो पहुँचते रहेंगे, बट ये टाइम तो कोई मोस्ट ऑफ लोग टूरिस्ट रहेगा, कोई भी रहेगा वो नहीं जाएगा, कोई संकी रहेगा पागल जो ये टाइम पे निकलेगा तो ले पता नहीं कब पहुंचेगा। सो पहुंच गए हम लोग आलियाज होटल एंड रेस्टोरेंट, बराबर रोड पे ही है, चले देखते हैं, डेविल्स ऑन व्हील, हाँ चले दिखाइए ना रूम।
सही है। अरे वीडियो चालू है अभी तक। ये है बालकनी से व्यू, बहुत सही है बैठने के लिए, मस्त एकदम, सुबह मजा आएगा। वहाँ पे कुछ तो है बट देखो, स्नो कैप माउंटेंस, सही व्यू है। सो ये रूम ले लिया हमने, हम लोग काजा से आ रहे हैं काज। हाँ वो, अरे बीच में आधे लोग कैसे है ना, चंद्रताल देखने चले गए। तो ऐसी तरह मैं पहुंच चुका हूँ हमारे होटल में, मेरा सामान सब कुछ कैंपर वैन में, तो मैं ऐसे ही राइडिंग गियर्स में। थैंक गॉड ये थर्मल है, ये वार्मर है, क्योंकि बहुत ठंडी है यहाँ पे भी, बट ठीक ठाक है। जो ठंडी से आया हो ना उतनी नहीं है, अभी बहुत आदत हो गया, अभी ऐसे ये वार्मर निकाल के भी घूम सकता हूँ। सो ये है बालकनी, बहुत खूबसूरत है जैसे मैंने पहले दिखाई, और जो व्यूज़ है ना वो भी खूबसूरत है। और अभी अभी जस्ट मेरी नज़र गई है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। कल अगर मुझे मिलता है, कल मॉर्निंग में अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करूँगा जो कल के वीडियो में आएगा, और दिखाऊँगा कि आजू बाजू में क्या है, कितना खूबसूरत है ये। सो विद दैट सेड गाइस, अभी मैं वेट करता हूँ बाकी लोगों का और मेरे सामान आने का, कब आते हैं वो, बट मैं अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन गया और बहुत ही ख़तरनाक था। मैं कुछ भी काट छाट नहीं करने वाला हूँ, पूरा लंबा का लंबा वीडियो दिखाने वाला हूँ। जो भी फील आज मैंने किया है वो सब डाल दूँगा, भले ही वो 30 मिनट या 40 मिनट का हो जाए, मज़ा आएगा देखने के लिए। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो। कल मिलते हैं, कल सिसु टू मनाली, मनाली वाले ब्लॉग में, मनाली घूमेंगे, जल्दी पहुँचेंगे ना, ज़्यादा दूर नहीं।